देखो अगर आप लोग जितवार काम करवे तो मैं हवाई अड्डा बना मिशा हवाई अड्डा हाँ हाँ सीमांचल तो को नीचे संघर्ष करो संघर्ष करवार कोई जरूरी काम तुम्हें बहुत अच्छा बोल लेने एकदम मोर फना तो सीधा एकदम एयरपोर्ट बनाओ एकदम बर्दाश्त करें खाली अभी टाइम छे समझी ले भर का क्षेत्र छे कभी कभी आठो तो भटके चलिए। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं रियाज रही और आज हमारे साथ है जनता एक्सप्रेस के चीफ एडिटर एंड फाउंडर काशिम अल कौसरी साहब। आज हम लोग एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही कम समय में मुखिया के नाम से कभी जिला परिषद का किरदार करते हैं, कभी मुखिया का करते हैं, कभी मेंबर का करते हैं, तो कभी विधायक का करते हैं और ऐसे ऐसे वो किरदार निभाते हैं कि लोग देख करके हंसी रोक नहीं पाते हैं, हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदाब, इस वक्त मैं कॉमेडियन मुखिया प्रत्याशी जो कि आप देखते हैं जो कुछ ही समय में हमारे सीमांचल के इलाके में मशहूर हो गए हैं, मैं उन्हीं के इंटरव्यू के लिए यहां पर आया हुआ हूं और उन्हीं से बात करेंगे, उनसे मुखातिब कराएंगे, जिनको आप जानने के लिए जिनको आप सुनने के लिए बेकरार होंगे। मैं उससे बहुत जल्द आपको मिलवाने के लिए आया हूं, कुछ हमारे जो है सहयोगी रियाज राही आपको बताएंगे उनके बारे में। जैसे कि बहुत लोग उनको तो देखते हैं, उनका YouTube में देखते हैं, Facebook में देखते हैं, खास करके हमारे यहाँ की सुजापुरी बिरादरी में महिलाएं हैं वो लोग तो देखते हैं लेकिन उनके नाम को जानते नहीं हैं। उनको उनसे मिलाएंगे, उनको दिखाएंगे, सीधे सीधे हम उनसे मुखातिब आपको करा रहे हैं, जिनको सुनने के लिए बेकरार हैं, जिनको जानने के लिए बेकरार हैं, आज हम उन्हीं के पास आकर के मौजूद हुए हैं और आपको इनके बारे में पूरी तफसील से बताएंगे और समझाएंगे। आज इनका टैलेंट हमारे सीमांचल में उभर के आया है जो नौजवानों के दिलों में राज कर रहा है और घरों की औरतें जो है इनको सुनने के लिए बेकरार हैं। चलिए मैं सीधा सीधा इनसे मुखातिब करा रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है सबसे पहले तो आप ये बताएं। मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम है। जी जी, हम आपको बता दें कि मिलियन में जिनका वीडियो अभी देखा जा रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, एक डायलॉग है जरा वो आप बोल के सुनाएं, वो बा वाला जो आप बोलते हैं जरा वो बताएं आप हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम मुखिया जी। वालेकुम सलाम बा, और सुना के? अच्छा ठीक है, अपना बताओ। सब ठीक ठाक छे बा। कुम जाए इधर और इधर उधर रिपोर्टर साहब हो रहा हुआ है थोड़ा मिले लो। थोड़े बोल जावे नहीं? हाँ जमना के हम सोचे थे कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के दौरान जो है मतलब सिर्फ जो है ये मुखिया प्रत्याशी है जो कॉमेडियन के तौर पर रोल अदा करते हैं, हम ये समझ रहे थे कि दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक शख्स आ गए थे जिनको खुद मुखिया जी से मुलाकात करना था और मुखिया जी से मुलाकात करके वो भी खुश हुए, तो मैं और मुखिया जी से बात करूंगा। सर ये बताइए आपके इलाके में कितने लोग आपको जानने और पहचानने लगे हैं इस वक्त, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? देखिए इससे पहले तो हम पढ़ाई कर रहे थे जी, दुकान भी है, दुकान में भी बैठते हैं जी। ये दिल में ख्याल कहाँ से आया कि मुझे इन्हीं सब बातों को लेकर के वीडियो बनाया जाए और इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि कुछ मैसेज पहुंचे लोगों को? देखिए हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि भाई एक मुखिया वाला वीडियो बनाया जाए ताकि वीडियो अच्छा हो, पब्लिक तक पहुँचे। देखे कि बाबा वाला जी जी, मेरे गाँव में एक आदमी है वो इसी तरह बातचीत करते हैं जी जी, हम सोचे क्यों ना एक उन्हीं के ऊपर वीडियो बना लिया जाए जो पब्लिक तक पहुंचे। जी जी, देखिए आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें हर वीडियो में एक मैसेज छुपा होता है, किसी न किसी को लगता है कि वो हमारे लिए बना है, किसी न किसी को लगता है कि हमारे ऊपर ये वीडियो बन रहा है, तो इससे पहले जो आप वीडियो बना रहे थे क्या वो इसी पर बना रहे थे, इसी पर्पज से बना रहे थे कि किसी मुखिया के लिए, किसी मेंबर के लिए, या कुछ अलग था? देखिए अभी इलेक्शन के मौके पर बना रहे हैं, जैसे कि बहुत सारा मुखिया है कि मतलब कहीं विकास ही नहीं हुआ है जी, बात किया जाए तो बहुत सारा आदमी मुखिया है कि बिल में घुस के रहता है, इलेक्शन का जब टाइम आता है जी जी, तो वो सबको बाबा करने लगता है जी जी जी, इन्हीं के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। अब हमारे सहयोगी रियाज राही से हम कहेंगे कि वो भी कुछ सवालात करें हमारे कॉमेडियन मुखिया प्रत्याशी साहब से। सब कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आपके इस चैनल से और साथ साथ में वो यहाँ के हमारे जो लड़के हैं सोशल मीडिया के जो सोशलिस्ट हैं सभी लोग उस वीडियो को बहुत धड़ल्ले चला रहे थे और एक कैप्शन दे रहे थे कि फलां साहब पर ये वीडियो बनाया गया, वो जिला परिषद वाला वीडियो था, क्या आप उस शख्स को देख करके बनाए थे? जी हाँ, देखिए वो फोर व्हीलर लेकर जब मेरे दुकान से गुजरता है तो कभी देखते हैं उनका बाइक में मूड़ी है, कभी देख रहे हैं चना है, कभी देख रहे हैं बैग है, तो हम क्यों ना सोचे भाई एक वीडियो बना लिया जाए जो पब्लिक तक पहुंचे। अब बैग को लेकर के देखिए, अब एक बार बताइए सब पद पे बना चुके लेकिन समिति पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लोग कहते हैं समिति के पास कोई काम ही नहीं होता, फिर समिति पर क्यों नहीं बनाया जी? इंशाल्लाह कल बनेगा समिति के ऊपर। अच्छा एक बात और है कि जैसे हर एक प्रोग्राम को जो डायरेक्ट करता है
बिना निर्माता का कोई भी चीज़ नहीं होता है। ये एक्टर हैं, कलाकार हैं, लेकिन जब तक किसी भी ड्रामा हो या फिर कोई फिल्म हो, जब तक उसको लिखा नहीं आता, उस पर डायरेक्ट नहीं किया आता है, उसका कलाकार कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में इन लोग की टीम में कितने लोग हैं आप लोग के टीम में? जी अभी फिलहाल 3 आदमी हैं। चलिए आपको अब हम इस बा वाला मैटर को जो बार बार लिख रहे हैं, सभी प्रत्याशियों पर जो लिख रहे हैं, प्रतिनिधियों पर लिख रहे हैं, उसके डायरेक्टर से भी मिलाएंगे। तो डायरेक्टर साहब आप आए जाए सर। एक कोई भी फिल्म को बनाने के लिए या किसी भी नाटक को बनाने के लिए पहली बात तो किरदार की जरूरत पड़ती है, जी जी, उसके साथ साथ डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो एक बार बताइए कि आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम तो माहिर रामानी है। यानी कि जो माहिर वलो लाइव ब्लॉग है वो आपके नाम पे है? जी जी जी। ठीक है, ये आपको कैसे सोचा? क्योंकि उससे पहले मैंने आपका वीडियो देखा है, कभी आप मास्टर के पर बनाया है, कभी किसी अजीब अजीब चीज पर बनाया है, और इस बार लेकिन सबसे अलग बनाया है आप। जी जी। ये आपको कहां से सोचा कि हमको इस चीज पे बनाना चाहिए जो अभी वायरल होगा? क्योंकि देखिए अभी करीब में इलेक्शन भी आने वाले ही हैं, ठीक है, बहुत सारे आदमी बहुत ही अनजान तरीके से हैं, उसको नहीं मालूम है, बस कुछ पैसे पे बिक जाते हैं या फिर कहीं पे जाकर कुछ मदद कर देते हैं, भाग जाते हैं आदमी, तो उसको मतलब सीख मिले एक वीडियो के माध्यम से, वो हंसने भी पाए और उस तरह से सीख भी मिले कि किस तरह से आदमी रिएक्शन करते हैं इलेक्शन के टाइम में। तो इलेक्शन भी करीब आ रहा है, तो मैं सोचा कि इलेक्शन के इसमें ज़्यादा आदमी हंस रहे हैं, कॉमेडी भी हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी में लगातार क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि अभी मतलब आदमी हंस रहे हैं, इस एक क्वेंटर मेरे लिए बेस्ट है। तो इस कारण से एक बात बताइए, इसके अलावा आप क्या करते हैं अभी? दुकान है मेरा, दुकान है जी। पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई भी करते थे पहले, पढ़ाई पहले करते हैं, अभी बंद है, अभी बंद। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हैं और भी सुरजापुरी कॉमेडियन बहुत आगे निकल गए हैं जी, और अभी बहुत लास्ट में आप शुरू किए, इतने दिन से आप इस कला को क्यों छुपा के रखे थे? क्योंकि इससे पहले जब मैं पढ़ाई करता था जी, तो पढ़ने के बाद जस्ट मैं जैसे ही घर आया, तो घर आने के बाद जो मैं देखा कि ऑनलाइन का जो है ना प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए कि दूर दूर तक आदमी जानता है कि मतलब कौन है कौन नहीं है, और प्लस उससे थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाते हैं। तो 2 साल तक मैंने एडिटिंग या सब कुछ मतलब सीखा कि किस तरह से किसको हैंडल किया जाता है, सब कुछ सीखने के बाद मुझे 2 ईयर्स लगे। मैं बहुत सारे चीज़ों में अप्लाई किया, बहुत तरीके से अप्लाई किया, पर मुझे जो है वो सब एक्टिंग नहीं आया, तो लास्ट में मैंने सोचा कि चलिए कॉमेडी। सीधे सीधे आप कहना चाहते हैं कि हमें कहीं किक नहीं मिला, आकर के सुरजापुरी में किक मिला? बिल्कुल, सुरजापुरी बेस्ट है। अच्छा ये बताइए कि आप इसमें ज़्यादा कॉमेडी बनता है? अच्छा इसमें कॉमेडी भी बनता है। तो आपके इसमें कितने लोग हैं जो काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आपको? और जो काम जो हाँ, करते हैं है, 3 आदमी हैं। अच्छा कौन कौन है? मैं हूँ एक, और एक परवेश भाई, मुखिया जी, जी मुखिया जी, और एक साहिल है, एक साहिल जी हैं, और आप हैं। साहिल जी आप आ जाइए इधर। तो आप ये बताइए कि आगे आप जैसे पंचायत इलेक्शन खत्म होने वाली है जी जी, 2 महीने के अंदर में पंचायत इलेक्शन खत्म, उसके बाद आप लोग क्या थीम सोच के रखे हैं, किस पर वीडियो बनाइएगा आप लोग? जी हम लोग सोच के रखे हैं आगे का कि मतलब डॉक्टर वाला हो, डॉक्टर वाला जी जी, डॉक्टर वाला हो या स्कूल वाला हो, बहुत सारा कंटेंट सोचा हुआ है, ठीक है, वो बनाते जाएंगे धीरे धीरे। पहले इलेक्शन है, अभी इलेक्शन में चल भी रहा है, तो माशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारा ऑडियंस प्यार दे रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चलिए और भी आदमी को प्यार देने के लिए मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा अभी फिलहाल के लिए इलेक्शन तक, उसके बाद फिर बाद में मैं सोचूंगा। इलेक्शन के बाद भी 1-2 कंटेंट बनेगा मुखिया जी के ऊपर, ये सब के भी ऊपर बनेगा, हारने के बाद जीतने के बाद क्या होता है सब कुछ दिखाना है आपको, बिल्कुल सब दिखाना है। हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं तो देखेंगे, कोई 32 साल मुखिया रह चुका है, कोई 35 साल रह चुका है, यानी चिपड़ी चिपकी बातों में लाकर के लोगों को वोट तो ले लेते हैं जी जी। लेकिन काम कुछ नहीं करते, उस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अभी अब आगे का प्रोसेस, आगे का वीडियो हमारे साथी काशिमल कोसरी साहब बात करेंगे, लोगों से क्या क्या बात करना है, बाकी वो साहिल साहब भी है उनसे भी बात करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी रियाज राही साहब, आपको इन लोगों से रूबरू करा रहे थे, इनसे बात कर रहे थे। मैं कुछ सवाल करके मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि ये जो आप लाइन चुने हैं इस तरीके से जो लेके अभी चल रहे हैं, ये रेगुलर करते रहेंगे कि फिर कुछ दिनों के बाद ये हम लोगों को हंसाना और हम लोगों को खुश करना छोड़ देंगे? नहीं, ये रेगुलर रहेगा इंशाल्लाह, रेगुलर रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है अभी, खासतौर से सीमांचल में बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं आपको, खोज रहे, तलाश कर रहे हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा छानबीन करके, खोज पड़ताल करके आपके पास आकर के पहुँचे हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं। तो क्या कुछ फ़र्क हुआ पहले से ज़्यादा? पहले भी आप वीडियो बना रहे थे, अब भी वीडियो बना रहे हैं, पहले से कुछ चेंजेस आए हैं आपके अंदर? जी जी, लोगों में बहुत चेंज आ गया। लोग किस नजरिया से अभी आपको देख रहे हैं? जी बहुत अच्छे नजर से देख रहे हैं, बहुत अच्छे नजर से देख रहे हैं जी। तो आगे ये बता दीजिए कि हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे अपनी जुबान में, जैसे आप बात करते हैं, क्या लोग सुरजापुरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही मैसेज दूंगा कि तुम्हारा वीडियो देखें, इंशाल्लाह और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनवे, यहाँ से आरो बेस्ट मुखिया वाला बनबे। अभी इलेक्शन थोड़ा टाइम छे, अभी 65 दिन, 65 दिनों तो बहुत ला कंटेंट मोर तैयार हन जाबे,
सोचे रखिए भोतला। अच्छा, तो आप एक बार ये बता दें कि आपको और खोजें तो किस वेबसाइट पे खोजें, कि यूट्यूब का नाम बता दें, फेसबुक का जो है आपका जो पेज है उसका नाम बता दीजिए, किस नाम से है? देखिए माहिर लाइफ ब्लॉग्स नाम से है। माहिर लाइफ लाइफ ब्लॉग इस नाम से आपका जो है फेसबुक पर है, यानी फेसबुक पेज है? जी फेसबुक है और यूट्यूब भी है। यूट्यूब भी इसी नाम से जी है जी। तो हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आप इस नाम को नोट कर लें और इस नाम से सर्च करें, आपको जरूर मिल जाएंगे हमारे कॉमेडियन मुखिया प्रत्याशी साहब और दिगर जो है इसमें एक्टिंग में जो नजर आते हैं। हम जो है आप इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? जी मेरा नाम साहिल आलम। साहिल आलम नाम है आपका, क्या काम है टीम में? मेरा हंसाने के लिए, हंसाने के लिए लोगों को खुश करने के लिए आप वीडियो बनाते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इन लोगों के तरफ करें और मैं चाहूंगा कॉमेडियन मुखिया प्रत्याशी से कि ये इन सब से जो है बात करें, इस तरीके से ये वीडियो बनाते हैं। मैं आपको कुछ लाइव करके दिखाऊंगा कि जिस तरीके से ये जाते हैं, जिस तरीके से ये जो है बात करते हैं और अलग अलग गाँव में जा करके और अलग अलग लोकेशन में जा करके जिस तरीके से ये वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, कितना मेहनत होता है, किस तरह हम आपको अभी लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। मुखिया साहब जरा संख्या 700 जिला परिषद ठीक है, बैग बांटूं फिर भी इंशाल्लाह। बैग बांटने का, साड़ी बांटने का और मुड़ी बांटने का वीडियो जो है सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, ये कहाँ से आया आपको? देखिए एक नेता है अगल पास में, वो फोर व्हीलर लेके कभी जा रहा है, तो हम देख रहे थे कि भाई कभी मूढ़ी का बोरा है, कभी बैग है, कभी और कुछ है, कभी बिस्किट है, कभी चना है। तो हम डायरेक्टर साहब को बोले कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जो आदमी तक पहुंचे। जी डायरेक्टर साहब बोला जी ठीक है, वीडियो बन जाएगा। जी तो हम कपड़ा सब लिए, कपड़ा सब भी दान कर दिए मूढ़ी चना के वजह। जी जी जी, तरीके से जो है मतलब मुरी दान और बैग दान और क्या साड़ी दान आप करते हैं। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से दान करते रहें, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते रहें और हम सबको खुश रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, की खबर मुखिया जी? ठीक है आप? परसों दिन एकदम टी पे ईद उनकी पाकिस्तानों की मॉडल है। हाँ गए बहुत गरीब दान को, हमचार घर से भी थी को दिन देखते हम पेन पुने बरा ही। इंशाल्लाह जाम जाम उसमें बर्दाश्त करें, खाली अभी टाइम छे समझी ले, बर्दाश्त भर का क्षेत्र छे, कभी कभी आठ तो भटके चलिए। हाँ जी ला कर भटका भटकी तो है। हाँ ध्यान रखो क्षेत्र सात दिन समझी ले, बिल्कुल एकदम मगर बैग तक बाट भी ना कि छोला बैग देखो अभी तो 4000 छोक बाटे चुक लू, अभी पूंजी ढीला कहीं जमीन तमीन तो नहीं बेचवा तुम्हारा? आप देखो ना टाइम इला जमीन बेचे तो चुनाव लड़बे तो तुम्हें तो विकास करबे नहीं, फिर सबला अपना जीवित रखबे नहीं विकास होबे साहब। देखो नहीं देखो अगर आप लोग जितवार काम करबे तो मैं हवाई अड्डा बना मिशा हवाई अड्डा। हाँ हाँ सीमांचल तो नीचे संघर्ष करो, संघर्ष करवार कोई जरूरी काम तुम्हें बहुत अच्छा बोल लेने एकदम मोर फना तो सीधा एकदम एयरपोर्ट बना एकदम जरूरी आप लोग जबर जरूरी नहीं होगा हिंजा शायद। हाँ हिंजा ची हाँ तो यही सब बनवा चाहिए, पांच कट्ठा छह वैसे पांच कट्ठा छह। हाँ हिंदे पे एक हम तुम्हें देखो इनके में जनता एक्सप्रेस न्यूज चैनल रिपोर्टर छी। जी 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 तो इंशाल्लाह तुम्हारे तरफ से पूरा फील्ड जाए रिपोर्टिंग करूँ। जी जी तुम्हें जिला परिषद लड़बन ना चाहिए या मुखिया लड़बन? पहले कमीशन तो दोनों रहे छे, दोनों रहे छे, दोनों लड़बन। हां मैं दोनों रहे। आपने मोगी को उतरा बिन खाते साहब? हां मोर मोगी लड़ाम जिला परिषद। अच्छा अच्छा मतलब था बाकु ठाम ओ चेयरमैन? अच्छा हां चेयरमैन बना, चेयरमैन बनवा दे, जिला चेयरमैन बना दे। तुम्हारा सोच बहुत बड़ा है, बहुत बड़का। तुम्हारा सोचक में सलाम करे। ठीक है क्षेत्र बहुत बड़का समझ ले। अच्छा 35,000 टा गाँव मोर क्षेत्र 35,000 घुमा तुम्हारे चार चक्का दुआ घुमा जरूरी। अच्छा मुखिया जी रिपोर्टिंग करे पूरा गांव गांव बेराई इधर उधर बेराई, तुम्हें ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है? ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बना तुम्हें? खुद नहीं बने एकदम, बहुत दिक्कत छे, दिक्कत छे, बहुत दिक्कत छे। कितना उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र तो अभी 16 साल लगभग। दूर करो साहब 16 साल उम्र की कहीं ड्राइवरी लाइसेंस बनो कौन बनते था 18-19 साल हुआ ची तुम लोग देखे लागो की नहीं 16 साल तो नाटा है ना मोरा गंडा होवे तो सुना ड्राइवरी लाइसेंस अभी तो 5-6 साल लगभग। हां गाड़ी उड़ी चला ना कोई हाईवे समझ ले पुलिस पुलिस पकड़ लेवे तो रिपोर्टिंग करवा कर ले जाम साइकिल ना ले। हां साइकिल व्हीकल जो चार चक्का चला चार चक्का? हां मोटरसाइकिल ना चला तो ड्राइवर रखवा आवे ड्राइवर रहे लेवे डायरेक्टर साहब के। हां तो एक ड्राइवर और एक चार चक्का तुम आगे दुबा दियो। ठीक ठीक मिलन ना इंशाल्लाह। चलो ठीक है फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुखिया जी हाँ बोले हम चार जनता एक्सप्रेस जो चैनल से वार माध्यम से कोई पैगाम दो तो दे दे।
देखो मैं आप लोग कौन की आप लोग थोड़ा मदद करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, समझी लें, ईसा को थोड़ा फेमस करो। इंशाल्लाह हमें तो कराए दिले आप लोग फेमस, लेकिन थोड़ा किसान चैनल पर ध्यान दीवे, बहुत ही गरीब आदमी से समझी लें। माहिर लाइफ और ब्लॉग के कॉमेडियंस मिस्टर परवेज आलम जो कि एक एक्टर है, और ये है उनके डायरेक्टर मिस्टर माहिर रजा रहमानी, और ये है साहिल साहब जो कि माहिर लाइफ एंड ब्लॉग के कॉमेडियंस हैं, और उनके साथ मैं अजमल अख्तर नूरी, जनता एक्सप्रेस के रिपोर्टर।